SN1 and SN2 reaction. Now, SN1, meaning of SN1 is unimolecular substitution reaction. As one indicate, this reaction will be unimolecular. We can say, इस रिएक्शन को हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पर ये वन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर यूनि एक ही मॉलिक्यूल एक टाइम पे प्रेजेंट होगा. नाउ मीनिंग ऑफ एस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लाइकवाइज SN2 हियर टू इंडिकेट्स इट इज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस करके दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा. इस वजह से उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड, इसके अंदर हम डिफरेंस ले सकते हैं कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, बट फॉर SN2 इट विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. अब इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड, नेक्स्ट स्टेप आता है, इट इज टू स्टेप रिएक्शन, वेयर इज SN2 इज सिंगल स्टेप रिएक्शन. SN1 का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप होगा वहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. नाउ कार्बोकेटायन का मतलब होगा कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. अब किस तरीके से फॉर्मेशन होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर. अगर यहाँ पर हम 3 डिग्री कार्बो हेलोएल्केन अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. किस तरीके से होगा कि एज वी नो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा. हिट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको क्या कहेंगे, कार्बो कैटायन कहेंगे. और एक्स माइनस है वो वहां से रिलीज हो जाएगा. इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बो कैटायन. न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग मतलब जो नेगेटिवली चार्ज हो. और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रल होते हैं. दैट्स व्हाई ओवरऑल चार्ज हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव. और पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होगा और भी कैसे जो न्यूक्लियस लविंग होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव. सो इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोकैटायन, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल. ना इस स्टेप के अंदर अगर हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमको दिखाई दे रहा है कि वो 3 साइड से वहां पर मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड. और अर्लियर हम पढ़ चुके हैं कि मिथाइल ग्रुप और वी कैन से एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और यहाँ पर प्लस का इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन का. इसी वजह से हमने पहले कहा था कि यहाँ पर 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री और उसके बाद में लीस्ट यहाँ पर स्टेबल क्या होगा, 1 डिग्री. अगेन इसको समझ लो, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और देने वाले यहाँ पर 3 ग्रुप्स है वो प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स SN1 वो कौन होगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स SN1. इसी वजह से यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री. और 1 डिग्री के बाद में यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर देने वाले यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके साथ में अटैच नहीं है. दैट्स व्हाई उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर SN2 की. जो हमने लिखा है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. अब यहाँ पर अगर मैकेनिज्म अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 डिग्री अगर हमने यहाँ पर कार्बोकैटायन लिया, और इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल का अगर हमको रिएक्शन बताना है, तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से अरेंज करके लिखा है. रीजन अभी आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया स्पेस के अंदर. अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर हेलोजन की, उसके अपोजिट साइड से वहां पर अटैक करेगा और वी कैन से बैक साइड से वहां पर वो अटैक करेगा. और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी.
इस तरीके से। अब ये ट्रांजिशन स्टेट ये डिसाइड करेगी यहाँ पर कि कहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम डिसाइड करना चाहें तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर्ड है, 1, 2, 3, 4 and 5, ये 5 मेंबर्ड यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसके अंदर जितने ज्यादा वहां पर अगर बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर रिपल्शन क्या होगा, इट विल बी मोर। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनका साइज स्मॉलर हो, साइज स्मॉलर होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन कम होगा और जितना कम रिपल्शन होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं 1 डिग्री के पास में सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप होगा, 2 डिग्री के पास में 2 और 3 डिग्री के पास में 3 एल्काइल ग्रुप से वो प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से 1 डिग्री हेलो एल्केन विल बी लेस बल्कि इन ट्रांजिशन स्टेट एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विल बी मोर बल्कि। दैट्स व्हाई 1 डिग्री यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स एसिड वन। अब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के बाद में कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर एक्स है रिलीज हो जाएगा, वी कैन से हैलोजन है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से हैलाइड और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा विद न्यूक्लियोफाइल विद एक्स माइनस। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विद न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर इस रिएक्शन को हम SN2 बोल रहे हैं और SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 1 डिग्री। रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना लेस बल्कि ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना स्टेबिलिटी वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का होगा और उतना ज्यादा रिएक्टिविटी वो SN2 के टूवर्ड्स शो करेगा। ना लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो रह गया है SN1 के अंदर जनरली रिटेंशन एंड रेसेमिक मिक्सचर फॉर्म होंगे जबकि यहां पर होगा इन्वर्जन। ना रिटेंशन एंड रेसेमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर ना एट लास्ट एक बार वापस हम यहां पर देख लेते हैं SN1 और SN2 में। SN1 एज वी नो SN1 विल बी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट विल बी बाईमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर 2 स्टेप में कंप्लीट होगा और SN2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स मेनली जो 12 बोर्ड एग्जाम के एक क्वेश्चन यहाँ पर SN1 या SN2 में रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड आता है। तो आपको लास्ट फाइनली एक बार और आप समझ लो कि यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, बट इन केस ऑफ SN2 इट विल बी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर 3 डिग्री सबसे पहले आएगा। Whereas in case of SN2, यहाँ पर transition state जितनी less bulky होगी वहाँ पर उतना stability transition state का ज़्यादा होगा और इसी वजह से SN2 के लिए reactivity order के अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा 1 degree।